नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करने वाला हूं कठुआ मामले को लेकर। जी हां, हमारा ये खास प्रोग्राम एक प्रोग्राम दर्शकों के नाम। जी हां, इस प्रोग्राम में हम उन दर्शकों के कमेंट जो है शामिल करते हैं, जो दर्शक अच्छे कमेंट करते हैं। बहुत से ऐसे कमेंट भी आते हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन जो खबर हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं और उस खबर का अच्छा रिस्पांस हमें मिलता है और जो दर्शक हमारी खबर को पसंद करते हैं और जो उस पर अच्छे कमेंट करते हैं, उन्हीं कमेंट को हम जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने भी आज कुछ कमेंट जो है अपने प्रोग्राम में शामिल किए हैं, तो सबसे पहला कमेंट मैं ले लेता हूँ जुबैर चौधरी जुबर का। वो कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई एसपीएन 9 न्यूज़ के सभी लोगों का नाइस चैनल और यूट्यूब। जी हाँ, एसपीएन 9 न्यूज़ के लोगों का, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और बोला है नाइस चैनल यूट्यूब। तो देखिए किस तरह का अच्छा कमेंट इन्होंने किया है। इस कमेंट से ना सिर्फ हमें बहुत अच्छा लगता है बल्कि हम अपने दर्शकों तक और अच्छी जानकारियां पहुंचाते हैं और अच्छी खबर जो है हम उन तक पहुंचाते हैं। जैसा कि हम कठुआ मामले को लेकर बात करें तो कठुआ मामला जो है देखने को मिला है कि जो यूजर्स हैं उस पर अभी भी कई तरह के कमेंट कर रहे हैं और हमारी टीम है वो भी जो है लगातार इस खबर पर नज़र बनाई हुई है। कठुआ प्रोग्राम जो कठुआ का जो मुद्दा है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो घटना हुई थी उस पर जो है हमारी टीम जो है उसने पकड़ बनाई हुई है और जो भी अपडेट जो जानकारियां होती है वो हम दर्शकों तक साझा करते हैं और उन तक बताते हैं। तो जैसा कि मैंने बात किया कि जो हमने बीते दिनों प्रोग्राम किया था जिसमें एक दर्शक का कहना था कि आरोपियों को फांसी दी जानी चाहिए, तो वो उसका कमेंट जो है और इस तरह का कमेंट हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया था। तो ये कमेंट इन्होंने किया था। और अगला कमेंट आयुष भाई का है। उन्होंने कहा कि थैंक यू एसपीएन 9 न्यूज़, योर टीम इज़ ऑलवेज बेस्ट। तो देखिए बहुत अच्छी जो है कॉम्प्लिकेशन हमें मिल रही है, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। जिस तरह से हम जो बात दर्शकों तक कहना चाहते हैं और वो बात उन तक पहुंच रही है और जिस तरह का कमेंट वो कर रहे हैं, ये कमेंट जो है इससे जो है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आयुष भाई ने कहा कि थैंक यू एसपीएन 9 न्यूज़, योर टीम इज़ ऑलवेज बेस्ट, यानी कि हमारी टीम के सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि यूजर्स जो है इस तरह का कमेंट करते हैं और इस तरह के कमेंट से जो है हमारी टीम को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हम और ज़्यादा जानकारियाँ लोगों तक लेकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एक और कमेंट ले लेते हैं। ये लिखते हैं रईस कुरैशी। जी हाँ, रईस कुरैशी लिखते हैं ग्रेट जॉब सर, अल्लाह ब्लेस यू। तो अल्लाह ब्लेस यू ये लिखते हैं और ग्रेट जॉब लिखते हैं। तो शुक्रिया आप लोगों का जो इस तरह से जो है कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं। और इस कमेंट के जरिए जो है हम ना सिर्फ हमें बहुत अच्छा लगता है बल्कि जैसा कि मैं बता भी रहा हूँ बार बार, और जो तमाम जानकारियाँ होती हैं, जो खबर होती है वो हम तक हम जो है उन तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और जैसा कि हम उन तक सभी खबरें जो है पहुंचाते हैं और जिस तरह से हमारी जो है हम जो टीम है वो लगातार अब जो है नज़र बनाई रहती है हर खबर पर और वो खबरें जो है तुरंत जो है दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। और जिस तरह से जो कठुआ मामले की अगर हम बात करते हैं तो हमारी टीम ने जिस तरह से काम किया इस खबर पर, जो काम कर रही है अभी भी, तो जब काम कर रही है और जब हम उन खबरों पर प्रोग्राम करते हैं और दर्शकों का इस तरह से कमेंट आता है, जो यूजर्स हैं इस तरह का कमेंट करते हैं, तो वाकई में इस कमेंट से हमें बहुत अच्छा लगता है और हम और ज़्यादा जानकारियाँ उन तक पहुँचाते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और साहिल खान लिखते हैं वेरी गुड चैनल, गॉड ब्लेस यू। तो ये लिखते हैं गॉड ब्लेस यू और वेरी गुड चैनल, यानी कि जिस तरह से हमारे यूट्यूब चैनल को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और जिस तरह से प्रोग्राम देखने के बाद उनकी इस तरह की प्रतिक्रिया आती है, तो वाकई में इससे साफ पता चलता है कि हमारी जो खबर है वो उन तक आसानी से पहुँच रही है और वो खबर जो है वो पसंद भी कर रहे हैं और जिस तरह से जो है हम उन तक पहुंचा रहे हैं वो भी जो है उन्हें बहुत पसंद आ रहा है।
अगर आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं गुलाम मुस्तफ़ा की, तो वो कहते हैं सुपरहिट ESPN 9 News। जी हाँ, गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं कि सुपरहिट ESPN 9 News। तो ये कमेंट उन्होंने किया है। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ, बीते दिनों हमने प्रोग्राम जो किया था कठुआ मामले पर, तो एक यूजर्स ने कमेंट किया था कि जो आरोपी हैं उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस तरह से कई यूजर्स ने कमेंट किया था और बकायदा उन कमेंट को हमने अपने प्रोग्राम में शामिल भी किया था। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो दर्शक जो यूजर्स होते हैं उनकी जो मांग होती है, क्या वो कह सकते हैं कि वो जो आरोपियों को सख्त सज़ा दिलवाने की बात करते हैं, और वो क्या उनकी अपनी क्या राय है, उनकी राय को जो है हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जैसा कि पॉजिटिव जो कमेंट वो करते हैं यूजर्स, उस कमेंट को जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, और इस तरह के जो है कमेंट हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं ताकि उन लोगों को, उन यूजर्स को भी पता चले कि जिस तरह के वो अच्छे कमेंट करते हैं, उनके प्रोग्राम उनके कमेंट्स को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं अल्फाज बेशुमार की, जो कहते हैं आप तो दिल जीत लिए हैं। ये उनका कहना है कि आपने तो दिल जीत लिया है, ये उन्होंने उनका कहना है। तो वाकई में बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी कमेंट इस तरह से दर्शकों के आ रहे हैं, दर्शक इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, तो वाकई में ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि जैसा अभी तक देखने को मिला था कि बहुत से यूजर्स की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह के गंदे कमेंट्स करते हैं, इस तरह के भद्दे कमेंट्स करते हैं, जो कमेंट बहुत अलग अजीब होते हैं, अलग तरीके के होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन कमेंट्स से जो है एक अलग देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव कमेंट्स जो लोग करते हैं, जो लोग समझते हैं खबर को, जो लोग बात समझते हैं और जिस तरह से पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि किस तरह से लोगों तक सही चीज़ें पहुंच रही है। और जब लोग उन चीज़ों को सही ढंग से पकड़ रहे हैं और उस पर जब कमेंट कर रहे हैं पॉजिटिव कमेंट, तो वाकई में ये बहुत अच्छी बात होती है। और जैसा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कठुआ मामले को लेकर, तो कठुआ मामले में जिस तरह से अभी तक देखने को मिला है कि जो अभी तक ये देखने को मिला है कि जिस तरह से जो दोषी थे उनके खिलाफ जो है सख्त सज़ा की जो है बात की गई है, और जो यूजर्स हैं उन्होंने भी कमेंट के जरिए अपनी बात कही है कि जो दोषी हैं उन्हें सख्त सज़ा दी जाए ताकि दोबारा कोई इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके जिस तरह से इन दरिंदों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एक कमेंट और ले लेते हैं। जुबेर चौधरी का ही है, जी हाँ जुबेर का, और वो कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे कि मैंने आप थोड़ी देर पहले भी बताया था, बहुत बहुत शुक्रिया भाई ESPN 9 News का, सभी लोगों का, और नाइस चैनल यूट्यूब, ये बात उन्होंने लिखी थी। तो अब हम देखें प्रोग्राम की ही, जैसा कि हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम में अपने जो मुद्दे को लेकर, तो कठुआ मामला जिस तरह से देखने को मिला था कि इस पे नए नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे थे, और जिस तरह से खुलासे हुए आरोपियों को लेकर, वो खुलासे वाकई में बहुत हैरान कर देने वाले थे। जी हाँ, उन खुलासों से कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर ये देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पर एक अलग ही बात देखने को मिली कि वाकई में किसी ने नहीं सोचा था कि जिस तरह की घटना को इन्होंने अंजाम दिया बहुत सोच समझ कर रणनीति के तहत, तो वाकई में इस तरह की घटना को जब उन्होंने अंजाम दिया तो कैसे जो है एक मासूम के साथ वो ऐसा कर सकते थे, और कैसे उनके दिमाग की मानसिकता ऐसी रही। तो वाकई में ये चीज़ें कहीं ना कहीं सबको हैरान करने वाली हैं। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से इस मामले पर सियासत की गई, सियासत की जा रही है, और ये वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ये इस तरह के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी लोगों को एकजुट होकर, और सभी लोगों को यानी कि सभी जो नेता हैं उनको एकजुट होकर इन दोषियों के खिलाफ सख्त आवाज़ उठानी चाहिए, और उन्हें जो है बताना चाहिए कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सभी लोग एक साथ होते हैं, और उस दौरान फिर दोषी जो है उनकी खैर नहीं है। और वाकई में अगर सख्त सजा दी जाती है दोषियों को, तो इससे एक ऐसा मैसेज जाएगा कि जिससे और कोई दूसरा शख्स जो है
इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचेगा। वाकई में जिस तरह से दर्शकों ने कमेंट किया और जो कमेंट हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किए, उस कमेंट से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छी पॉजिटिविटी जो है देखने को मिली, और हम और जो है नई जानकारियाँ और नए कमेंट्स, लोगों की क्या राय है, लोग क्या कहना चाहते हैं, उनको अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और हम आप तक पहुँचाएंगे कि किस तरह से लोग क्या इस केस को लेकर कहते हैं और क्या है उनकी राय। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।